Forza. हेलो गाइस, हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। और आज के धनतेरस की सबसे खास बात यह है कि आज 125 साल के बाद संभावना ने ये रिंग्स पहने हैं कान में। फाइनली नकली है लिफ्ट आ गए। नीचे जाके बात करते हैं बारे में। पहले हमें ना एक्चुअली सबसे पहले अभी गाड़ी की चाबी ले ली है, लेकिन गाड़ी में नहीं जा रहे हैं हम लोग। ऑटो करके एक ऐसी जगह पे जाना है थोड़ी गलियों में जहाँ पर गाड़ी जाएगी नहीं। हम लोग ऑटो करके जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर गाड़ी लेंगे, फिर निकलेंगे। वही मेरा चश्मा कहाँ हो गया? तुम्हारे चश्मा मैं क्यों लाऊंगा? तुम्हारे चश्मा कहाँ है? मेरा घर में रह गया। अरे पूछ तो लो उनसे कहाँ जाना है। चले जाएंगे कहाँ चले जाएंगे? यही पास में जाना है ना हमें, तो हम लोग जा रहे हैं। मैंने जैसे बोला था कि रिक्शा में जाना है, एक अच्छी चीज अंदर से लेनी है, गली खूचे पे से। कैसी लग रही हूँ मैं? किसी ने बताया नहीं मुझे। कल बताएंगे ना, वीडियो अपलोड होगा, अभी कैसे बता दे। बोल दे, मुझे इंस्टेंट जवाब चाहिए होता है। राइट लेना भैया, बोलो ना भैया। भैया बोल रही हूँ, अभी मुझे भैया बोल दिया। नहीं नहीं, मतलब उनको भी बोलना था तो वो भैया और तुम मैच हुए। धनतेरस के दिन मुझे भैया बोल दिया। भैया उनको बोलना था और तुमको बोलना था कि कुछ बोलो। तो मैंने कुछ बोलो और भैया दोनों बोल दिया। और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम लोग। बेसिकली मैं मेरी मेड के लिए कुछ खरीदने आई हूँ यहाँ पे, कान के। देख रही हूँ कि धनतेरस पे उसको कुछ गिफ्ट कर दिया जाए। ये है ये थोड़े हैवी लग रहे हैं मेरे को बहुत। मतलब डेली वेयर के लिए नहीं है ना ये, कि डेली वेयर के लिए चलेंगे? चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है डेली वेयर के लिए। और ये वाले कितने का पड़ेंगे? वाले ये अपने को मतलब 11,000 तक। मेकिंग चार्जेस कितने ले रहे हो? 150। मेरे को ये भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं पहनेगी कि नहीं पहनेगी, मुझे पता नहीं है कि पहनेगी कि नहीं। ये ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। लगा के बताओ। पहनती है ना कि इतने बड़े तो मैंने पहने हुए कभी नहीं देखा उसको, छोटे छोटे पहनती है वो। ऐसा थोड़ा बाली जैसा इफेक्ट होता है ना जो लड़कियाँ पहन ले। शी बी वेरी हैप्पी, उसको मैं ये दूंगी। तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। और आज धनतेरस महाराज आएंगे। धनतेरस महाराज कौन है? अरे हाँ, ऐसा कुछ दो। ये कितने का? देखिए ये कितने का पड़ेगा? मुझे समा हो बिना अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें कैसे लग रहे हैं? क्या बोलते हैं? मुझे अच्छे लग रहे हैं। फाइनली मैं ये ले रही हूँ। अच्छे उसमें पैक करके देना, इसका बिल वगैरह दे देना। दो दर्शन, ये तीन रंगोली बताओ तो क्या है? पैर लेने लक्ष्मी जी के। हाँ लक्ष्मी जी के पैर ले लो। वैसे तो पैर तुम खुद बहुत अच्छे बनाते हो। हाँ मैं ही बनाता हूँ। मैं इस बार दिखाऊंगी, अविनाश पैर बहुत अच्छे बनाता है लक्ष्मी जी के। तो थोड़े लक्ष्मी जी के पैर ये ले लेते हैं, बाकी हम लोग बना लेते हैं घर पे, अपने आप से बनाएंगे हम। हम मतलब ये क्या ले रहे हो? रंगोली। ये तो खाली रंग है। तो गोली बाद में बनेगी ना उसकी। क्या कर रहे हैं? सफेद वाले मिक्स करने का। क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, मैंने कभी जिंदगी में नहीं बनाया। कलर है ना, इसमें डाल के मिक्स कर दे। एक गिलास बहुत होगा। ठीक है दे देना। और बनेगा क्या, डिजाइन कैसे बनेगा? क्या वो डिजाइन? पेंसिल से बनाओ चाहे छापना भी है उसमें। छापना? छापने के लिए जल्दी होता है। देखो तुमसे बार्गेनिंग में कर नहीं रही। धनतेरस में क्या बार्गेनिंग करनी है? धन आ रहे हैं इनके पास। बस हो गया भैया, कितने डेली है? लाल मिर्ची दे दो, लाल तो देना होता है। लक्ष्मी जी को अच्छा लगता है ना लाल रंग। लक्ष्मी जी के ये वाले पैर कितने के हैं? बड़ा वाला नहीं, बड़ा वाला बहुत बड़ा पैर है। ये पैर देखे लक्ष्मी जी पास। लक्ष्मी जी के चारों पैर ले लिए मैंने, मतलब चार पैर। पैर नहीं, पैर नहीं 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 नहीं। सुबह सुबह पटाखे बजा रहे हैं भैया। ये जो है ये पानी में तो नहीं डालना होता ना? नहीं, नहीं। तो इसमें तेल नहीं पी जाएगा ये ज्यादा? तेल ज्यादा पी गया तो? पी गया तो पानी भी जाएगा। इसको तो पानी में भिगोना है, वो मिट्टी वाले। ये वाले इनको क्या करना है? नहीं भी जाएगा। नहीं पक्का? नहीं। खाओ कसम। ये क्या चीज है बेबी? ये रंगोली में काम आएगा ना, बना रंगोली बनाने के लिए। मिक्स करेंगे ना कलर्स को इसमें। 290 दे दो भैया। अभी तुमने बोला था भैया 300 रुपए दे दो, मुझे फिर से भैया बोला तुमने। 300 रुपए दे दो, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना। भाई दूज की फील अभी से क्यों ले रही हो? ये क्या है, पिचकारी क्या है? पेंसिल है। अच्छा भैया ने मुझे कुछ पिचकारी दिया ताकि रंगोली बनाऊं। इनको ये नहीं पता कि मैंने आज तक जिंदगी में नहीं बनाई है। ये भैया ने मेरे को एक गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट दे दिया। मैंने बार्गेनिंग नहीं की ना, क्योंकि बेचारे मिट्टी के दिए बनाने वाले से मैं क्या बार्गेनिंग करूंगी। तो इन्होंने अपने आप खुशी में फ्री में दे दिया मुझे। तुम क्या ढूंढ रही हो? गाड़ी की चाबी। तो हम लोग अभी डॉक्टर के पास से वापस आए हैं, क्योंकि संभावना का फीवर नहीं उतर रहा है सुबह से। तो बताया था ना कल से बीमार हो, इसने काम भी मेरे से बहुत कराया ना कल। इतना काम, इतनी सफाई कर दी कि खुद ही बीमार हो गई। मेरा सफाया हो गया। अब थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग होगी। लेट्स गो एंड हैव कॉफी। पप्पू जाएंगे, कॉफी पियेंगे, उसके बाद थोड़ा पूजा की तैयारी करेंगे धनतेरस की। अरे सर सामान गाड़ी में ही है क्या? हाँ
तो सामान और भी खरीदा है थोड़ा बहुत, उसका व्लॉग भी बना पाए क्योंकि बहुत भीड़ भड़क्का था। मेरे ये शब्द कहाँ से निकलते हुए भी भीड़ भड़क्का। अरे बाबू बाहर तो आओ रुक से। तो हम लोग आ गए घर में, अब थोड़ी सी कॉफ़ी चाय पी रहे हैं और संभावना की तबीयत तो ठीक नहीं है, फिर भी थोड़ा सा संभावना व्लॉगिंग करेगी और दिखाएगी कि क्या क्या लेके आई है। दिखाओ मैं दिखाओ कॉफी पी के दिखाओ। कुत्ता कान चाट रहा है, तूने कान चाट लिया आज। कान तुम्हारा अच्छा भी तो लग रहा है ना इसलिए। हाँ क्यूटी पाई लग रही है। हाँ करो एक बार क्यूटी पाई। चलो अभी आप लोग को सामान दिखाते हैं कॉफी चाय पी के। तुम तो अपने आप को देख रहे हो। क्या कर रही हो बेबी? ये मैं रंगोली बनाने की तैयारी। ये रंगोली बना रही हो कि चाय पत्ती छान रही हो? देखो कोशिश कर रही हूँ, अब क्या बनेगा ये देखते हैं। क्या बनेगा मतलब? तुम तो मदद करने के लिए आ नहीं रहे हो। अरे कुछ पता तो होना चाहिए मदद करने के लिए। मुझे भी तो नहीं पता, कोशिश कर रही हूँ ना मैं भी। तुम्हारे जैसे थोड़ी कि बंदूक लेके सीधा चल दी, चलानी आती नहीं। ये फैल भी रहा मुझसे ना बराबर हो नहीं रहे। आपको मालूम है मैं जिंदगी में पहली बार अपने हाथों से रंगोली बना रही हूँ, पहली बार। अब गलत बने सही बने वो बात बात। मैंने एक बॉर्डर लाइन इसकी खींच दिया, इसको मोटा मोटा कर रही हूँ। बना ही थोड़ा बहुत। अब इसके बीच में बनेगा कोई डिजाइन। कैंडू इधर आओ, आपको बताना पड़ेगा कि मम्मा इसको क्या डिजाइन बनाए। बताओ बेटा मम्मा का डिजाइन क्या अच्छा लगा। पब्लिक को बताओ मम्मा की कोशिश। देखो मेन बात ये नहीं है कि कितनी सुंदर रंगोली बन रही है, मेन बात ये कि आपके एफर्ट्स क्या है, आपकी श्रद्धा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, मेन बात वो है। देखो अगर आपकी आस्था है, प्यार से आप कुछ भी करना चाहो, सारी चीजें अच्छी करती है। लोगों मुझे जज मत करना रंगोली पे प्लीज। अरे दोनों साथ एक जैसे बन गए, इसको बड़ा करना। चलो जी। अरे तू कहाँ चली? भाभी आना जरा। ये देखो भाभी कैसा अच्छा बनाया। ये है भाभी। आप लोग पूछते रहते हो ना कि कोको चेरी कहाँ रहते हैं, कैंडी कहाँ रहती है, ये भाभी क्या रखती है। एक और है अंदर रश्मि, वो क्या रखती है। पीछे से ये लोग हैं अंदर पे। तो ये भाभी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे सबको बताओ जरा मैं खाना कैसा बनाती हूँ। दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, सबसे अच्छा। मैं तो दीदी का काम से खाना सीखी हूँ, मुझे तो कुछ आता है। भाभी खाना बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन भाभी तो अभी ये कह रहा है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। एक बार दोबारा बताओ भाभी मैं खाना कैसा बनाती हूँ। हाँ दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है, दीदी से खाना सीखी हो। अब इतना जल्दी बना के खाना पूछिए फटाफट। चलो हो जाएगा। बेबी इधर आओ। मैं अभी अविनाश से पूछती हूँ कैसा लगा उसको। बेबी ये कैसा लगा? ये मैंने बनाया। ये तुमने बनाया है? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। कैसे बना लिए? ऐसे ऐसे। अच्छा ये पिचकारी से? हाँ मतलब कोशिश की है, और हो सकता है अभी अच्छा। अच्छी कोशिश है तुम्हें। लगे अच्छी है? ठीक जाओ काम कर। और मैं आपको बता दूं कि अविनाश ने इतनी सी भी हेल्प नहीं करी है मेरी रंगोली में, इतनी सी भी, जरा सी भी हेल्प नहीं करी। थोड़ी देर इंसान को शर्म आनी चाहिए। ये देखो ये ऊपर तक गई, ये छोनू खुश हो गया रंगोली देख के। अच्छी बनी है रंगोली। आओ अच्छी लगी है। बेबी एक सेकंड आओ ना बाहर, जल्दी आओ ना प्लीज एक सेकंड। रंगोली बताओ बेबी कैसी बनी है, ध्यान से बन गई? हाँ वो देखो। Oh. अभी थोड़ा सा रह गया वहाँ पे, थोड़ा और काम रह गया। लेकिन यहाँ क्यों बनाया? अच्छा यहाँ से अब आओ ना, लक्ष्मी माता तो यहाँ से भी आ सकती है ना। अरे वाह वो छोटे छोटे दिए जाओ ना, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, तुमको एक ही दिया दिख रहा है ये। oh. देखो कैसी लगी बेबी? बहुत ही अच्छा यार, नीचे तक दिए बनाए। हाँ नीचे तक पूरा, नीचे जाओ ना एक बार मेरे लिए। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस और दस बीस। तो क्या सांचे से बनाए? हाँ सांचे से, ये वाला सांचे से बनाया, वो वाला हाथ से बनाया है। बहुत ही बढ़िया है। अच्छा लगा? बहुत जल्दी बना दी तुमने। बेबी इस चीज में तुमने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करी है। मैं कर ही नहीं सकता बेबी। मैंने भी तो कोशिश करी है। बहुत अच्छी कोशिश है। मैं कैंडी कितनी खुश हुई है रंगोली देख के। अच्छा बहुत खुश हुई है मेरी बेबी। लेकिन अब चाय तो पिला सकते हो तुम मुझे? चाय मैं पिला दूंगा अपने हाथ से, तुम बनवा दो। रंगोली को खराब कर देना। तुम रंगोली खराब करने लगे थे? नहीं तुम ऐसे गए हो बेबी, ऐसा मत करो ना। तुम तरीके से तो चल सकती हो ना, बनाई नहीं है तुम उसको बिगाड़ दो रंगोली को। अरे यार रंगोली पार तो कर सकते हैं ना पैर से, ऐसे पार भी ना करे। पैर से पार आते
ऐसे करने लगे थे, ऐसे फुटबॉल खेल रहा हूँ मैं, तुम ऐसे कहे ना तो मैंने बोल दिया, तो तुम्हारा पैर ऐसे हो गया। चलो चाय पिए। ये इतनी बड़ी रंगोली बनाई लेकिन अपने घर के सामने इतनी छोटी, और बाहर लक्ष्मी माता कैसे भी आएंगी ना, थोड़ी सी और आती है। और लक्ष्मी माता अगर खिड़की से आ गई, इधर से आ गई तो कैसे भी आए, आप लोग कैसे भी आए, सजा हुआ उनको दिखेगा, खिड़की से क्यों आएंगे वो? क्या पता मान लो रोड पे ट्रैफिक हुआ, नीचे से नहीं आ पाई उन्हें बाई एयर आना हो तो खिड़की से आए। वो तीन जगहों से आएंगे, दरवाजे से, अरे दरवाजे से, सीढ़ी से और लिफ्ट से भी आ सकती है माता। माता तीन जगह से आती है, जल से, थल से और वायु से, ठीक है? ज्यादा संस्कृत मत बोलो मेरे सामने। आप देख रहे हो मैं कैसे पसीने पसीने हो रही हूँ, पूरा पसीना आ रहा है मुझे, मतलब बुखार भी उतर रहा है बेसिकली। और देखो यहाँ पे लक्ष्मी माता के पैर भी लगा दिए, दो लगा दिए इधर और दो लगा दिए इधर, और जो बाकी का है ना वो कल हाथ से बनाएंगे हम लोग, कल जो हाथ से बनेंगे तो वो परसों भी रहेंगे। अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, मैं जरा रिलैक्स कर लूँ, चाय पी लूँ। वाह क्या सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। दिवाली के क्रैकर से इतनी बुरी हालत हो रही है, नीचे इतने ज्यादा कोई पटाखे बजा रहा है कि कोको की हालत खराब है, कैंडी इतनी डरी हुई है, आई डोंट नो, ये नहीं होना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन इज नॉट गुड। इतने ज्यादा मतलब लिटरली पिछले 5 मिनट से ये पटाखे बज रहे हैं और ये स्टॉप नहीं हो रहे हैं, ये देखो इसकी बेचारे की हालत, एंड ही इज सो ओल्ड, और वो इतना डर रहा है, देखो ना, देखो ना, खाना खा रहा है ना कुछ कर रहा है डर के मारे। नहीं कोको ना, यार कैंडी भी इतना डर रही है, कैंडी कांप रही है लिटरली, पटाखों की आवाज सुन, ये भी कांप रहा है, ये भी कांप रहा है यार, ये कौन सी लड़ी जला रहे हैं यार, ओ हो हो हो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ चेरी, क्या हुआ है, इतना थोड़ी हो जाता है, क्या हो गया ऐसा? अब गोदी में बैठा, सब लोग गोदी में बैठे हैं तो अब ये भी बैठेगी। सारे काम ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, काफी हद तक हो चुके हैं, लेकिन एक काम अभी बाकी है, जो वक्त है अभी भी रुका हुआ है, रात के बज रहे हैं 10 लेकिन इधर बज रहे हैं 1। फाइनली सेल चेंज हो रहा है घड़ी का, बेबी हेल्प करूं? एक्चुअली बहुत भारी घड़ी भी है, हेल्प चाहिए बेबी? नहीं मैं इधर कर सकता हूं। और बाकी घड़ियां अभी भी गाड़ी में पड़ी हैं। मीनवाइल मैं आपको दिखाऊं मैंने कौन से वाले दिए लिए थे, देखने कुछ दिए तो बाहर लगा दिए, कुछ ये रहे वही सेम कलर और एक ऑरेंज कलर का जो बाहर लगा दिया है, और बाकी सारे मिट्टी के दिए हैं, 2 दर्जन मिट्टी के दिए हैं, अब ये कल पानी में डालूंगी, बाकी हाथ से बनाएंगे लक्ष्मी जी के पैर, बाकी हाथ से बनाएंगे मतलब अविनाश बनाएंगे। तो आपको मिलते हैं कल मॉर्निंग में, विच इज छोटी दिवाली, छोटी दिवाली के ब्लॉग के साथ। और सुनो मैं थोड़े बहुत पटाखे भी लेने वाली हूँ, और जो मैंने मेरी काम करती है उसके लिए जो लिया है मैं अभी उसको नहीं दूंगी, मैं बड़ी दिवाली पे दूंगी, मतलब मेन दिवाली पे ही दूंगी, शी विल बी हैप्पी आल्सो। और कल थोड़े बहुत हम लोग क्रैकर्स लेके आएंगे, और क्रैकर्स नॉट क्रैकर्स, सुन तो लो ना बेबी, क्रैकर्स तो मैं भी नहीं चलाती, क्रैकर्स आर नॉट अलाउड इन दिस हाउस, क्रैकर्स नहीं चलाते हैं हम लोग, मैं डरती भी हूँ, और दूसरा नॉइस पोल्यूशन, मेरे डॉग्स बहुत डरते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना सिर्फ शगुन के लिए थोड़ा सा एक दो फुलझड़ी जलाएंगे एंड दैट इज इट, हम लोग क्रैकर्स में बिलीव नहीं करते हैं, वी लाइक साइलेंट दिवाली, ये जो फटते हैं ना क्रैकर्स बाहर और हमारे डॉग्स की फटती है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाएंगे, नॉइस फ्री दिवाली मनाएंगे विद लिटिल फुलझड़ी, दैट्स इट। तो मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में, बाय करो, गुड नाइट, बाय।